अस्सलाम वालेकुम। अब हम इंग्लिश का लेसन देखते हैं जो आपका इस वीक का लेसन है, दैट इज़ मैजिक शूज़। मैंने आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व आपको मैंने व्हाट्सएप कर दी है, उसमें मैजिक शूज़। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट अ गर्ल एंड अ बॉय, दे बोथ आर फ्लाइंग इन द स्काई बिकॉज दे आर वेयरिंग द मैजिक शूज़। आपने देखा होगा मैजिक शूज या इस तरह की स्टोरीज आपने सुनी होंगी कि एक जो है मैजिक मैट था, उस पर बैठकर वो फ्लाई करता था हवा में, एंड द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द मैट ही कैन सी ऑल अराउंड इन द वर्ल्ड। दिस इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ मैजिक शूज एंड व्हाट द मैजिक शूज आर सेइंग। ये मैजिक शूज जो है दे आर स्पीकिंग themselves and what they are speaking, a pair of slippers glittering bright. What does it mean by glittering? Aapne glitter dekha na, that is very shiny, very bright, that the shoes are glittering and very bright. In the shoe shop window, aap shoe lene ke liye jaate hain, so there are many shoes in the window. That is called shoe shop window. So these two bright glittering slippers were in the shoe shop window and calling out the children. They were calling out the children, come in, get us, come and see us glue. They were asking, come and look, we are glowing, we are shining, we are very bright. A pair of magic slippers, they can make your wish come true. What they were asking to the children, the pair of slippers were asking to the children, come, if you will wear us, aap agar hame pehnoge to your all wishes will come true, yani aapki sari jo wishes hain wo puri ho jayengi. When you wear them you can fly, jab aap wo slippers pehnoge you can fly in the sky. Though it is not the reality, this is just the story. Up in the sky so blue, up in the sky so blue. Us blue sky mein you can fly if you will wear this magic slippers. Wouldn't you like to have? Don't you like? Dekhe jab aap mama se ghar mein burger ya koi cheez kehte ho aur mama kehti hai ki no, I have cooked biryani. Wouldn't you like the biryani? So the shoes is saying the same. Wouldn't you like? This pair of magic shoes, so you could wear them and be sure no one can see you. If you will wear the magic slippers, you can fly in the sky and nobody will see you because those slippers are the magic slippers. So this is the story of magic slippers and the exercise is solved. You can see at your home and you can do by yourself. The next task is maths, page number 74, which is the division sums. We have sent you the solved worksheet of these questions and the next subject is Urdu. The story is उस्ताद का मुकाम। आप ये स्टोरी जो है वो घर बैठ के पढ़ें, इसमें जो वर्ड हैं जो आपने अंडरलाइन करने हैं ताकि आप उसकी डिक्टेशन, उसकी इमला याद कर सके, वो है मकतब, रूहे इंसानी, सामईन, मौजू, हस्ती, जन्म, जवाल, करामात, गुलाम, मामार, बिखरी, अहमियत। ये वो वर्ड हैं जो बेटा आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखने हैं और बार बार लिखने हैं, और उसके बाद जब आप उनको लर्न कर लें तो फिर आप अपनी मदर से ये किसी से भी बोलें कि वो आपको उसकी डिक्टेशन करवाएं ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, जब भी आप स्टोरी पढ़ें तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसके एंड में जो क्वेश्चंस हैं उसको भी एक दफ़ा पढ़ लें ताकि जब आप स्टोरी पढ़ रहे हो तो आपको अंदाज़ा हो
क्या इस स्टोरी के एंड में, इस कहानी के अख्ताम पर आपसे क्या कुछ पूछा जा सकता है। इसके बाद इसके एंड पे जो है वो अल्फाज के मानी दिए गए हैं, आपने वो अल्फाज के मानी जो हैं वो भी याद करने हैं। खुशखती दी गई है, उसको पेंसिल के साथ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, और फिर जब इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें तो उसको उसी तरह से अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी प्रैक्टिस कीजिए। जुमले आपने कोशिश करनी है कि आप ख़ुद बनाएं। तालीम और तरबियत, जैसे तालीम और तरबियत है तो इस पर हर बच्चा जो है वो ख़ुद कोशिश करे कि वो अपना जुमला तरतीब दे सके। तालीम और तरबियत वालदैन का अवलीन फ़र्ज़ है। स्कूल तालीम और तरबियत का मरकज़ होते हैं। आपने इससे हटकर कोई ख़ुद जुमला सोचना है। तालीम और तरबियत रिसाला मैं हर माह पढ़ता हूँ। थ्री सेंटेंस मैंने आपको बता दिए, तीन जुमले मैंने बता दिए, लेकिन आपने कोशिश करनी कि आप अपना जुमला बनाएं। सहूलत, बिजली के आने से हमें बहुत ज़्यादा सहूलत हासिल हो गई है। वालदान अपने बच्चों को हर किस्म की सहूलत देने की कोशिश करते हैं। उस्ताद, उस्ताद का मर्तबा बहुत बुलंद है। उस्ताद कौमों का मामार होता है। उस्ताद के बारे में तो आपको इस सबक के अंदर से बहुत से जुमले मिल जाएंगे। इज्जत, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तरक्की, कोई भी कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। तरक्की करना हर एक का ख्वाब होता है। ये बहुत से जुमले हैं जो आपने खुद बनाने हैं। आपको जुमला साजी आनी चाहिए ताकि जुमले आपको रटने ना पढ़ें। आपको पता है क्लास में भी हम डिफरेंट बच्चों से जुमले बनवाते हैं और उसको व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, और फिर हम बच्चों से कहते हैं कि आप अपना अपना जुमला अपनी पसंद से लिखें। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीक थर्ड का जो काम है ये आप लोगों को मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी किस्म की अपनी प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड या अगले फोर्थ वीक या थर्ड वीक का जो प्लानर है उससे कोई भी मुश्किल आपको हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े नाइसली मैसेज कीजिए। वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। इंशाल्लाह ये जो सफ़र है हम मिलकर इसको ज़रूर मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी बात है, वो मैं अपने वालिदैन से ये कहना चाहती हूँ कि जो वक्त हमें मिला है इसे अपने बच्चों की तरबियत के लिए सर्व करें। आपके पास आज वक्त है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मसरूफियात नहीं है, तो हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि जब मुश्किल आए तो हमें इसका मुकाबला कैसे करना है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि ज़िंदगी में हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जब हालात मुख्तलिफ हों तो हमें अपनी सोचों को किस नहज पर लेके जाना है, अपने एक्शन को किस तरह से तब्दील करना है कि हम उन मुश्किलात का और उन हालात का अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकें। मुझे उम्मीद है वालदैन इस वक्त को एक कीमती तोहफे की सूरत में इस्तेमाल करेंगे, बड़े सोच समझकर अपने बच्चों की तरबियत के लिए हमारा साथ देंगे। इंशाल्लाह ZA स्कूल सिस्टम की पूरी टीम आपके लिए हाजिर है। जहां आपको जिस किस्म की मुश्किल हो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट।